आत्मा नमस्ते एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डे 26। टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, मैजिकली ट्रांसफॉर्मिंग मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। वी ऑल टेंड टू मेक मिस्टेक्स इन आवर लाइफ, बट दीज मिस्टेक्स आर हैपनिंग टू मेक अस इवॉल्व इन लाइफ। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। सो जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, बहुत ही इजी आसान तरीका है जीवन जीने का। कैसे? देखिए, बचपन में बच्चे गलती करते हैं, लाइक व्हेन दे आर लर्निंग हाउ टू साइकिल, जब साइकिल चलाते हुए वो गिरते हैं, क्या हम उनको बहुत बुरा डांटते हैं? नहीं, वो 3-4 बार साइकिल चलाते हुए गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, एंड फाइनली दे मास्टर द स्किल। सेम वे हैंड राइटिंग का होता है उनका, वो कई बार गंदी हैंड राइटिंग लिखते लिखते इवेंचुअली दे अगेन मास्टर दिस स्किल ऑफ राइटिंग इन अ बेटर वे। सेम वे वी ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो देयर, बट हम क्या करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, वी रियली बीट आर सेल्फ, या हमारे आसपास जो भी एडल्ट्स हैं वो कोई भी गलती करते हैं, वी ट्राई टू डिमीन देम। सो लेट्स चेंज टूडे, लेट अस बी लाइक दोज किड्स जो अपनी गलतियों से, बार बार गलती से सीख के इवेंचुअली दे मास्टर द स्किल। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डू। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जिस भी चीज पे हम फोकस रखेंगे वो चीज हमारी लाइफ में ज्यादा होने लगेगी। सो अगर हम मिस्टेक्स पे फोकस रखेंगे तो बार बार वो सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में आएगी और बार बार हम गलती करते जाएंगे। बट हमें क्या करना है, उस गलती के अंदर छुपे हुए वरदान को ढूंढना है। वी हैव टू टेक आउट दैट ब्लेसिंग विच इज हिडन इन दैट मिस्टेक। वी हैव टू फोकस ऑन द blessings rather than mistakes. Now let us understand this with an example. For example, आप हाईवे पे बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस ने आपको रोक लिया, आपका चलान काट लिया। अब आप क्या सोच रहे होगे, ओहो ये झाड़ी में छुपा हुआ था, मुझे दिखा नहीं, और देखो मेरा चलान कट गया, आज बहुत अनलकी थी, कुछ तो अच्छा शगुन नहीं था घर से निकलते हुए, देखो मेरा चलान कट गया। हम अब हम क्या फोकस कर रहे हैं, उस पुलिस वाले पे फोकस कर रहे हैं। हम ये फोकस नहीं कर रहे कि हम तेज गाड़ी चला रहे थे, वी वर डूइंग अ रॉन्ग थिंग ऑन हाईवे। सो हमें आज क्या करना है, हमारी एक वो मिस्टेक, मे बी हमने किसी को हर्ट किया, या किसी ने हमें हर्ट किया, या किसी ने हमें इग्नोर किया, या किसी ने हमारी इंसल्ट की, या हमने किसी पे गुस्सा किया, हमें कोई भी एक ऐसी परिस्थिति उठानी है जो हमारे से एक गलती हुई थी इन पास्ट, एंड देन वी हैव टू राइट द 10 हिडन ब्लेसिंग्स दैट वाज देयर इन द मिस्टेक। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल ऑफ हाईवे। फॉर एग्जांपल, आपने ये गलती कर दी, आप तेज गाड़ी चला रहे थे, आपका चलान कट गया, तो रादर देन ब्लेमिंग दैट पुलिसमैन और योर लक और योर किस्मत, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज द ब्लेसिंग हिडन इन दिस। सो फर्स्ट, उस पुलिस वाले ने आपको याद दिलाया कि आपको स्पीड पे ध्यान रखना है। सो चलान क्या था, आपका पनिशमेंट था। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप हाई स्पीड पे होगे, आपको याद आएगा कि ओ उस दिन चलान कटा, आई शुड बी केयरफुल, आई शुड ड्राइव इन अ मॉडरेट स्पीड। देन अगर आपने सेकंड, क्या इसमें ब्लेसिंग थी, अगर आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, अच्छी स्पीड पे चला रहे हैं, तो यू आर गेटिंग केयरफुल, आपका फोकस उस पे है, स्पीड पे है, रोड पे है, आप ख्यालों में नहीं है, सो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। थर्ड, अगर आप स्पीड में अच्छे से रहेंगे, अच्छे से घर, तो आप घर पे आराम से पहुंचते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं इवनिंग में, आप उनसे मिलते हैं। फोर्थ, इफ़ यू आर केयरफुल अबाउट योर स्पीड, आप दूसरे लोगों का भी ख्याल रखते हैं रोड पे, नहीं तो जाने अनजाने आपकी तेज रफ्तार से दूसरे लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है, सो यू डोंट जनरेट अ बैड कर्मा। सिक्स्थ, व्हेन यू आर कॉन्शियस अबाउट योर स्पीड,
you are focusing on right things and the blessings coming in the way. Because जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो यूनिवर्स आपका ख्याल रखती है और आप सेफली घर पहुंचते हो. सो ऐसे ही हम 10 ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे, जो एक वो गलती के अंदर छुपी है जो हम तेज गाड़ी चलाने से करते हैं. सो टुडे वी विल सिलेक्ट वन मिस्टेक एंड यू नो एवरी डे वी कैन डू दिस प्रैक्टिस. एक गलती को सोचे और उसके अंदर छुपे हुए वरदानों को सोचे. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या क्रिएट करेगा? ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज. यू नो हर गलती के अंदर देर आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज. छुपी हुए वरदान है, हमें उन वरदानों पे फोकस रखना है. सो वॉट वी हैव टू डू, सबसे पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइट योर 10 ब्लेसिंग्स, देन थिंक अबाउट वन मिस्टेक एंड देन ट्राई टू राइट 10 ब्लेसिंग्स दैट वर हिडन इन द दैट वन मिस्टेक ऑफ योर्स. सो वी विल आस्क टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरी मिस्टेक. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आई लर्न्ड फ्रॉम दिस मिस्टेक? सेकेंड, व्हाट वॉज द गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ दिस मिस्टेक? ऐसे दो क्वेश्चन पूछेंगे हर गलती के बारे में और फिर 10 उन ब्लेसिंग्स जो उस मिस्टेक्स के अंदर हिडन थी उनके बारे में लिखेंगे. एंड रात को हमारी मैजिक रॉक उठाएंगे. आज जो भी ब्यूटीफुल थिंग हमारी लाइफ में हुई है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहेंगे एंड वी विल से 3 मैजिक वर्ड्स, थैंक यू एंड थैंक यू. सो हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू. डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट बीट योर सेल्फ फॉर द मिस्टेक्स वी डू, बिकॉज इट इज इन द मिस्टेक्स. हम सब गलतियों से सीखने के लिए ही हमने जन्म लिया है. वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स. सो जैसे ही आप अपना गलती से अपने मिस्टेक से वो लेसन को लर्न कर लेते हैं, वो दोबारा इवेंट आपकी लाइफ में होगा ही नहीं. वो इवेंट तब तक होता जाएगा, जैसे साइकिल से बच्चा तब तक घिरता जाएगा जब तक वो मास्टर नहीं कर लेता स्किल को अच्छी साइकिल चलाने को. सेम वे हमारे लाइफ में भी कोई गलती, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है तो पॉज फॉर अ मोमेंट, सी व्हाट इट इज ट्राइंग टू टीच अस एंड द मोमेंट वी विल लर्न द लेसन वी आर डन विद दैट मिस्टेक. वो दोबारा लाइफ में आएगा ही नहीं हमारे. And then we move forward and we try to get evolved. So have a great day, all of you. See you all tomorrow. We are almost coming to an end of our gratitude journey. 3 more days to go.